और थोड़ी नींद करते हैं भाई। बहुत ड्राइव कर ली है, बहुत एडवेंचर कर लिया है। क्या कहते हैं दिलवासित भाई? सोने का नहीं है, बिल्कुल भी सोने का नहीं है भाई। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, सही है, हैदराबाद मीरपुर खास। मैं तुम्हें डेजर्ट सफारी कराता हूँ, डेजर्ट सफारी के लिए तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आज गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा, अभी देख लें, रात के बज रहे हैं 2:15 और यहाँ पे स्क्रीन में क्या चल रहा है? ब्लिपी। लेकिन बच्चे तो हैं नहीं मेरे घर पे, कौन देख रहा है? ये रहा इतना बड़ा बच्चा बैठा हुआ है। बहुत बुरा किया अब्दुल वाजिद भाई को, रात से मैंने अपने घर पे ही रोक के रखा हुआ था, ठीक है, जगा के रखा हुआ था, क्योंकि हम सोने नहीं देते भाई। अगर क्योंकि हमारा टाइमिंग ऐसा था कि अगर हम सोते तो फिर सो ही जाते। तो अब हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी नीचे आ रही है, यहां से जाएंगे, मैं फ्रेश हो गया और रेडी हो गया, यहां से जाएंगे अब्दुल वासित भाई के घर पे, वहां पे ये फ्रेश होंगे और इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं रोड ट्रिप पे। तैयारी हो गई है सारी, ये देख लें भाई, ये बैग वैग सब कुछ सब रेडी है और हम लोग निकल रहे हैं। और ये प्लेट पिज्जा निपटा चुके हैं अब्दुल वासित भाई। कुछ ले ना ले, लेकिन ये मोबाइल की केबल्स लेना बहुत जरूरी होता है। आईफोन की भी ले ली है और दूसरे मोबाइल की भी ले ली है भाई, चलें। और ये गाड़ी आ गई है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भजन? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चलें भाई, हमारी सवारी तैयार है भाई। चले भैया, सामान रखे अंदर और फटाफट निकलते हैं। बस भैया टिक गए सही से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले भाई रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सही है भाई, ये हैंड ब्रेक उतार लिया। वासी भाई, डेजर्ट सफारी कभी की है आपने? हाँ नहीं, लेकिन इसमें 4x4 में कभी भाई के साथ की है? नहीं की है, आज कराएंगे हम आपको 4x4 में डेजर्ट सफारी अपने साथ। वाह भैया, अदनान भाई हमारा यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वासी भाई, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही है, 5 मिनट में तैयार हो गया। एक घंटा क्यों? वेलकम वेलकम वेलकम, आ जाइए। माशाल्लाह यार, थैंक यू सो मच, आप टाइम पे हैं। माशाल्लाह 3:42 हो रहे हैं, अब हम लोग वापस रोड पे जा रहे हैं। अब्दुल बासित भाई लेके आए हैं घर से अजवा खजूर, जिसकी हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि नींद हमने कुछ की नहीं है। अभी हम लोग निकल गए सफर पे, सही है, तो अजवा खा के जो है ना हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। ऐसे ही है भाई, वो वाली है, ये बिल्कुल VIP वाली है ना, VIP वाली है, और जो हमारे सऊदी भाई ने गिफ्ट की थी। टोल प्लाजा हमने क्रॉस कर लिया है, सही है, इसके बाद पहले पेट्रोल पंप पे हमने रुकना है, क्योंकि इस एक्टिविटी के अंदर हम अकेले नहीं जा रहे हैं। सही है, हमारे साथ हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, तो उनकी गाड़ियां जो है वो यहाँ पे शायद पहुंच गई होंगी, या तो हम जिस स्पीड से जो आए ना यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि हमने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया है, वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे। ये देखिए, कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है यार। मैं वीडियो चेक करा था ना, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि एक सफेद कलर का बाल है, लेकिन ये एक्चुअली बाल नहीं है ये धागा है, इसको निकालो यार, इसको निकालो खींच के। मैं यही बोला, ऐसे जुल्फों की तरह जो है ना उड़ रहा था, अभी वीडियो बनाते कुछ और समझो। लोग वेट कर रहे हैं हमारे दोस्त का, वो आ रहे हैं, जब तक सामने आप देखें, हाय हाय, मंडी की यादें ताजा हो गई, सामने जानवर नजर आ रहे हैं भाई। और ये हमारे साथी आ गए हैं, फरीद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फरीद भाई से हमने कहा कि ये हमारा स्टेशन नहीं, हमारा पहला स्टेशन होता है, क्योंकि सफर का उसूल है, उसूल नंबर 1 वो क्या है, बुराक पे रुकना है, ताकि जो भी रिफ्रेशमेंट लेनी है वो पहले से ले लें, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमने बोला भाई गाड़ी भगाएं और बुराक पे मिलते हैं हम, क्यों अब्दुल वासित भाई? ऐसे ही उसूल नंबर 2 अभी कोई भी नहीं है, सही है क्या है बताओ? आइसक्रीम वो तो वहां पे पहुंचने के बाद की कहानी है, ठीक है भाई, तो हम गाड़ी खींच रहे हैं। ये भाई बहरिया टाउन वाला जो रास्ता आता है ना, इसके बाद थोड़ी देर के लिए हमको लगता है कि ये हम कहीं और आ गए भाई, किसी और दुनिया में आ गए, कराची से बाहर आ गए। बस हमारी तो दुआ है कि कराची पूरा इसी तरह हो, क्यों अब्दुल वासित भाई? ऐसे ही। और ये हमारा स्टेशन आ गया है बुराक, सही है। वाइपर का जो पानी है ना, ये पुस ये जो है ना खत्म हो गया है, इसमें जरा पानी भी डालना है अभी हमने, ठीक है, क्योंकि मिट्टी इतनी उड़ती है, और ये देखें आप, पानी ना हो ना तो फिर फायदा नहीं। तो आप तो कुछ नहीं लेंगे मेरे ख्याल से यहाँ से, यही सबसे ज्यादा। अच्छा, आप ही सबसे ज्यादा लेंगे क्या देख रहे हैं, जरा देखते क्या बेटा, चिलगोजे उठा रहे? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मिल गई जेट स्पॉट आपको? Yes. हाँ भाई, क्योंकि ये लास्ट ऐसी ही जगह है जहाँ पे आपको अपनी ख्वाहिशात की सारी चीजें मिलेंगी, इसके कुछ भी नहीं मिलता। सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, मेरी खुशी किस्मती मैं तेरा।
क्या अल्फाज है हाँ, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए, हाय हाय हाय, कुछ नहीं चाहिए वाकई। चलो भाई उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, फजर की नमाज का टाइम हो गया है। एक्स्ट्रा दोस्ती हो गई थी ना, ये सब मैं देख रहा था। एक दूसरे के कंधों पे सर रख के जो सो रहे थे ना, अब उठ जाओ। एक्स्ट्रा दोस्ती। चेक करें भाई, फजर की नमाज तो हमने पढ़ ली और अब जो है ना सुबह की पहली किरण। हाय हाय हाय, फजर के बाद जिंदगी में पहली बार आपने देखा होगा किसी को के कोई कोल्ड ड्रिंक खोल के जो है ना पी रहा है, मतलब कैसे। मैं सुबह को रात में एंजॉय। सही जा रहे हो भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम यार। मैं तुम्हें डेजर्ट सफारी कराता हूँ, डेजर्ट सफारी के लिए तैयार हो जाओ। देखो रास्ता कच्चा है यहाँ पे पूरा। ओए 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 ओए, चले भाई आगे रोड पे हम लोग। सही है, हैदराबाद हम लोग पहुंच गए हैं और वो देखें सनराइज नजर आ रहा होगा आप लोगों को। एक मिनट, दरख्त आ गए बीच में। सोने का नहीं है, बिल्कुल भी सोने का नहीं है भाई। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, सही है, हैदराबाद मीरपुर खास टोल प्लाजा पे पहुंचे हैं, ठीक है। और एक गाड़ी जो है वो पीछे रह गई है, उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से जो है ना रास्ता आगे नहीं, लेकिन हम इतनी तेजी से आए कि ट्रक हालांकि जो है ना रात के 10 बजे निकले थे, लेकिन ट्रक अभी तक नहीं पहुंच सके, हमें उनका वेट करना पड़ेगा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नाश्ते का तो भरपूर इंतजाम लग रहा है यार, देखें माशाल्लाह। यार नींद बिल्कुल भी नहीं हुई आपके भाई की, लेकिन यहाँ पे हलवा नज़र आ गया है, चने का सालन नज़र आ गया है, ओए होए पूरी भी नज़र आ गई है फरीद भाई, माशाल्लाह फुल इंतज़ाम है यार, बेहतरीन। क्या बात है, क्योंकि जिसकी आंख लग गई ना वो नहीं, उसको नहीं मिलेगा। अच्छा सोए नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया भाई पहला निवाला। नींद से हालत ऐसी हुई हुई कि आवाज़ भी नहीं निकल रही, आवाज़ ना बैटरी लो गई हमारी। चने का सालन और पूरी अच्छी है भाई। अब ये हलवा भी ज़रा टेस्ट करें कैसा है। बहुत ही अच्छा है ना ये भी, माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब जरा सुकून से नाश्ता करते हैं भाई, बेहतरीन है माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। अब्दुल वासिद भाई, अभी तक आपने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो होता है ना मामला, वो अभी तक आपने देखा नहीं है। रेडी हैं आप? ओए होए, आगे पीछे से 1000-2000 लोग जब आगे पकड़ेंगे आपको, हाँ तो क्या देंगे आप, क्या देंगे? टी शर्ट उतार के नहीं दे दीजिएगा? ले लो भाई जो चाहिए। चले भाई फाइनली तीन तलवार आ गए यहाँ का भाई। चले भाई तीन तलवार दिल पसंद चले भाई। फाइनली हमारा ट्रक भी अब हमारे सामने आ गया है, ठीक है। ये ट्रक हमने जो है ना रात को 10 बजे निकाल दिया था, लेकिन हम लोग जो है वो लेट नाइट निकले थे। ये देखें भाई, इस इलाके के अंदर भी जो है ना घर वगैरह कितने ज़्यादा जो है ना पानी के अंदर डूबे हुए। ये देखें कब्रिस्तान भी पूरा जो है ना पानी में डूब चुका है। देखिए अब डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना सिलसिला स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये पहला ट्रक है और दूसरा ट्रक जो है वो फरीद भाई का है, हमारे दोस्त का। तो इसके अंदर अभी पहले स्टार्ट में मिनरल वाटर, इसके बाद फिर सारे कुकीज़ हैं, इसके बाद फिर ग्रॉसरीज हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना लोगों की क्यू वगैरह लगवाई जा रही है, और इसके बाद जैसे क्यू लग जाएगी तो इसका इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यहाँ पर। ये देखिए भाई डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला स्टार्ट हो गया है, सही। ये सारा सामान जो है वो सलाम मुतासरीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। ये ट्रक जो हम लेके आए थे ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, साथ साथ फिर जो हमारे साथी लेके आए थे, इसके बाद फिर वो वाला ट्रक लगेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सारा सामान जो है वो तकसीम किया जा रहा है सैलाब मुतासरीन में, ठीक है। और ये सीनियर सिटीजन है, इनके साथ किसी को बुला लें ताकि इनके सामान कोई लेके जाए। जी जी जी, किसी को बुला लें। आगे ले जाओ।
और तमाम लोगों में स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को जो है वो सबसे पहले जो है वो राशन और सारी चीज़ें दी जा रही हैं अलहमदिल्ला। सिर्फ ग्रॉसरी और ये सारी चीज़ें नहीं, इसके साथ साथ अभी जो है ना आजकल जो हालात बने हुए डेंगी जो है फैल रहा है, इसकी वजह से जो है ना ये एंटी मॉस्किटो लोशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ हम ये भी डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि ये लोग अपने बच्चों को स्पेशली लगाएं। पिलानी नहीं है, सही है, पिलानी नहीं है दवाई। देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे जो यहाँ के लोकल्स जो हमारे दोस्त हैं ये सबको गाइड कर रहे हैं कि जो है ना ये दवाई लगाने की है, पिलाने की नहीं है। इनकी अपनी जबान के अंदर इनको गाइड कर रहे हैं ताकि कोई अपने बच्चे को पिला ना दे ये दवाई। दो दो तीन तीन बार बताया जा रहा है ये चीज़, सारी चीजें जो है वो देखें दी जाए। ये टॉर्च लाइट्स जो है ये देखें, फरीद भाई टॉर्च लाइट्स भी लेके आए हैं साथ, टॉर्च लाइट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये देखें लेडीज सूट्स भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये लेडीज सूट्स भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आराम से खाएं भले बच्चे, जब भूख लगेगी सही है। ये बेटो, ये लो बेटा, सही है। माशाल्लाह इतनी बरकत हुई है इस एक ट्रक के अंदर कि अभी जो है ना एक ट्रक का सामान, एक ट्रक का कंटेंट अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है अलहमदिल्ला। और ये जो फरीद भाई लेके आए दूसरा ट्रक, अभी ये इस तरफ लगा दिया गया है, अब ये भी अनलोड होगा, सारा ग्रॉसरी से भरा हुआ है। वाह माशाल्लाह, हम लोग एंटी मॉस्किटो लोशंस लेके आए, फरीद भाई जो है ना मॉस्किटो नेट्स भी लेके आ गए। देखिए बड़ी काम की चीज़ है, बड़ी काम की चीज़ है भाई है, और इन हालात के अंदर तो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, नए जूते भी जो है ना पहनाए जा रहे हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, ठीक है, सैलाब मुतासरीन में से हैं, और इस तरह जो है वो जूते चप्पल भी लेके आए हुए हैं। और ये देखें इनको हाथों हाथ पहना के साइज़ के हिसाब से ट्राई करा रहे हैं, अगर सही है तो इनको नए जूते दिए जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला वहाँ पर चल रहा है, लेकिन नमाज़ आपकी किसी भी सूरत हाल में मैं क्या बोलता हूँ मिस नहीं होनी चाहिए। सही, तो वज़ू कर लिया है, ये पानी का कैन था बासित भाई के पास, इन्होंने वज़ू करवा दिया मुझे, ये वज़ू में है। अब हम जो है वो गाड़ी में ही पीछे डाले में ही नमाज़ पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं जगह नहीं है। सही है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जी अब्दुल वासिफ कैसा एक्सपीरियंस है आपका, देखा आपने कैसी हाड़ा उड़ी होती है। आसान काम नहीं, बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये देखिए भाई बाकायदा ऐसे लग रहा है कि समंदर है, लहरें आ रही हैं। जितने भी लोग जो है ना टेंट्स में रह रहे हैं ना, इन सबको जो है वो पका पकाया खाना भी साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं हम लोग ना, सबको बिरयानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये देखिए सब इंतजार में है कि इनको जो है ना खाना, देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ। भाई कल से जाग रहे हैं हम लोग, अब जो है ना हल्की फुल्की नींद आ रही है। अब्दुल वासिफ कोई माहौल बनाए ना यार, अगर आप भी ढीले पड़ जाएंगे तो फिर तो मजा नहीं आएगा, सुस्ती हो जाएगी यार गाड़ी चलाते। अभी हम लोग कराची के जो है ना समझ आप लोग निकल गए, ठीक है, तो अभी तकरीबन 3-4 घंटे तो लगेंगे कराची पहुंचने में। और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद जो है ना भाई को गाड़ी दे दूंगा ताकि मैं बराबर में थोड़ी सी नींद खींचूँ, क्योंकि कल से मैं नहीं सोया सही, और फिर मैं कराची जाके उठूँ एक साथ। भाई अब आपके भाई को थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी तो मैंने बोला क्यों ना यहाँ पे जो है ना आपको भाई सो जाइए, तो क्या लगा हुआ है, ठीक है, ये चिप्स रखे हुए यहाँ पे, ये अब्दुल वासिफ भाई को देते हैं हम, और थोड़ी नींद करते हैं भाई। बहुत ड्राइव कर ली है, बहुत एडवेंचर कर लिया है, क्या कहते हैं अब्दुल वासिफ भाई, सो जाओ चलो, और तुम्हें तो सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा क्योंकि तुम्हें भी सोने को मिलेगा। यार आज जो है ना यहाँ पे नींद बड़ी अच्छी हुई है, ठीक है, मैंने अच्छी खासी नींद कर ली है और अभी मैं उठा हूँ और तकरीबन 1.5 घंटा रह गया इंशाल्लाह, 1.5 घंटे में हम लोग घर पे होंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग जो है ना एक होटल पे रुके हैं और आपका भाई थोड़ा सा फ्रेश होके आ गया है, अब मैं चार्ज हो गया हूँ, ठीक है, अब यहाँ से कराची मैं लेके जाऊंगा, 1 घंटे का रास्ता भी बाकी, 1 घंटे का लगा था कि शायद आधे 1.5 घंटे का रास्ता बाकी, लेकिन अभी भी 1 घंटा बाकी है। यहाँ पे बच्चे मिले हैं, सही है, बच्चा पार्टी मिली है बल्कि पूरी, कैसे हो यार आप लोग, बर्थडे किसकी है, अरे माशाल्लाह यार खुश रहो आप लोग, और खाना खाने आए हो आप लोग, जबरदस्त, चलें ठीक है, चलो एंजॉय करो अपना खाना, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आ गया भाई टूल प्लाजा आ गया, वाह भाई जैसे ही टूल प्लाजा क्रॉस किया हल्की हल्की बारिश कराची में हमें मिली है भाई, क्या बात है भाई। रात का बजा है इस वक्त 1:20 और मैं घर पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, खैर वाफियत के साथ पूरा सफ़र का मामला कंप्लीट हो गया, और इसके अलावा फिर शावर लिया, नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। कल की वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, अभी बिल्कुल हालत ऐसी हो रही है ना कि अभी वीडियो एडिट करने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता आपका भाई,
कल करूंगा वीडियो एडिट और कल आप लोगों से मुलाकात करूंगा, कल सुबह एडिट करके फिर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो टाइम पे मिले। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें और दुआ करें कि सारी थकन एक रात में उतर जाए। सही भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़।